आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में कितना टाइम लगता है? बहुत सारे फैक्टर्स है दोस्त, बहुत सारे फैक्टर्स है। केस कितना कॉम्प्लेक्स है, केस की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बोथ द पार्टीज हाउ कोऑपरेटिव दे आर, वो कितने कोऑपरेटिव है। अगर मान लीजिए कि आर्बिट्रेटर आपके सामने बैठा है, आपने कुछ कहा, वो एग्री हो गए, तो वहीं ऑन द स्पॉट फैसला हो गया। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि कब तक आर्बिट्रेशन का फैसला आता है। पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रही। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अगर हमारे अगेंस्ट एक आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होती है तो उसका डिसीजन, उसका फैसला, उसका अवार्ड कब तक आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन की। इसके संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं जो आपने देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाती है तो उसका फैसला कब तक आता है, कब तक फाइनल अवार्ड पास किया जाता है, क्या टाइमलाइन है। पूरी की पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। कभी भी दोस्तों अगर आप डिफॉल्ट करना शुरू करते हैं, इट कुड बी योर क्रेडिट कार्ड, योर लोन, कुछ भी हो सकता है, तो बैंक के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से वो अपने पैसों को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, एंड वन ऑफ देम इज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। जब आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू की जाती है तो आर्बिट्रेटर के पास एक टाइमलाइन तो होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम इतना टाइम है और इतने समय में आपको एक फाइनल अवार्ड डिलीवर करना है। तो वो टाइमलाइन क्या है दोस्तों, ये डिपेंड करता है केस के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। इट कुड बी लेस, इट कुड बी मोर, ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कितना कम और कितना ज़्यादा, अब ये भी तो सवाल है। तो मैं आपको ये बताऊं कि एक आर्बिट्रेटर को अपना फाइनल अवार्ड डिलीवर करने के लिए मैक्सिमम 12 महीने का टाइम मिलता है। 12 महीने के भीतर उनको ये देना ही पड़ता है। ये तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम टाइम, एवरेज कितना है, 3 to 6 months, 3 से 6 महीने में मेरी ऑब्जर्वेशन में जो आया है 3 to 6 months में ये डिलीवर हो जाता है। अगर केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इट कुड बी अप टू 12 months, 12 महीने में हो जाना चाहिए। अब इस 12 महीने में भी वो 6 महीने का एक्सटेंशन और ले सकता है अगर फैसला नहीं ले पाया, कोई केस की कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई। ऐसी स्थिति में अगर दोनों ही पार्टीज़ एग्री करती हैं तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगले और 6 महीने के लिए, यानी कि 1.5 साल। और अगर आप उस अवार्ड से संतुष्ट नहीं है तो फिर क्या करें? अगर मान लीजिए कि उसने एक फाइनल अवार्ड डिलीवर कर दिया है एंड दैट इज अगेंस्ट यू, और सपोज कीजिए कि अगर आप उस अवार्ड से संतुष्ट नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये फैसला गलत है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास चैलेंज करने का भी ऑप्शन होता है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अंतर्गत आप इसे चैलेंज कर भी सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स इतना भी हुआ नहीं है, लेकिन चैलेंज करने के लिए आपके पास एक ग्राउंड होना जरूरी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी अगर कोई भी आर्बिट्रेशन का आपके पास नोटिस आता है तो कम से कम ऑब्जेक्शन फाइल जरूर कीजिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आर्बिट्रेशन वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन होती भी है। ये देखिए, चैलेंज करने से कैंसिल भी हो सकती है, नहीं अगर होती है और आपके खिलाफ एक डिसीजन ले लिया जाता है तो वैसी स्थिति में आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में क्या करना है। फर्स्ट आपको एक ऑब्जेक्शन फाइल करना है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं जो मैंने मेरे वीडियोज में बता भी रखे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके अगेंस्ट चला गया है तो वैसी स्थिति में आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। और 12 महीने में अगर एक फैसला नहीं सुनाया गया है तो इसके बाद अगर आप एग्री नहीं होते हैं तो वो उसका और एक्सटेंशन ले भी नहीं सकता, बात खत्म। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। और इसी तरीके के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए। इससे जब कभी भी कोई भी नया वीडियो मैं पोस्ट करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरीके का आपका कोई लोन का ट्रैप है, कोई डिमांड नोटिस आया है, कोई लीगल नोटिस आया है, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, या फिर आपको लगता है कि मैं इससे कैसे बाहर आऊं, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, नॉन स्टॉप परेशान कर रहे हैं, कॉल्स उनकी नॉन स्टॉप आ रही है, होम विजिट हो रही है, ऑफिस विजिट हो रही है, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, पूरी तरीके से RBI के गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं, लोन से संबंधित किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई भी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आपको हाई लिखकर भेजना है। हाई लिखकर भेजने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक स्टेप्स आ जाएंगे और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप 1-on-1 चाहे तो मुझसे भी जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए।